दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन हम भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, तो आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ओला की पेमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग, चाहे वो इनिशियल पेमेंट हो या फाइनल पेमेंट हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और क्या क्या गलतियां हैं जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं जो कि दूसरों ने करी है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आपको करना क्या है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको आपको क्लिक करना है, और उसके सामने बेल आइकन है उसको भी आपको क्लिक करना है, नहीं तो आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो ओला का जो पेमेंट प्रोसेस है, हम कैसे उसको एक स्मूथ और एक हैप्पी प्रोसेस बना सकते हैं रादर देन बीइंग अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को ध्यान में रख के जो जिन्होंने करा है उनसे सीख के, और पर्सनली मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, तो उनसे सीख के जो भी नेक्स्ट जो ओला स्कूटर खरीद रहे हैं वो इन चीज़ों का इतना ध्यान में रखे ताकि वो गलतियां ना करें और उनका ये एक्सपीरियंस है वो एक हैप्पी एक्सपीरियंस हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं वो सारी यूजफुल ट्रिक्स। पहली टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि आफ्टर आपने जब आप रिजर्व कर लिया स्कूटर को, तो जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं, चाहे आप वो एडवांस अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं या आप अपनी फाइनल पेमेंट कर रहे हैं, तो जो भी उसका शेड्यूल्ड टाइम होता है उससे आप 1-2 घंटे पहले से ही ट्राई करना शुरू करिए। क्योंकि अभी क्या ही ओला की ये जो एप्लीकेशन है ये नई नई है, तो इतना वो लोड जैसे कि हमारे से फ्लिपकार्ट अमेजोन डील कर लेती हैं वो इतना डील नहीं कर पाती, तो हमेशा ट्राई करिए 1-2 घंटे पहले। तो जैसे अभी रिसेंटली 21 जनवरी को 6 बजे उन्होंने अनाउंस किया था, बट पेमेंट गेट पे उनका 4 बजे से ही शुरू हो गया था, और काफ़ी लोगों ने 4-4:30 बजे अपनी पेमेंट कंप्लीट भी कर दी थी। उन सभी से बचने के लिए और आप टाइमली पेमेंट करने के, आप ये एक हैप्पी एक्सपीरियंस बन सकता है आपके लिए। तो उसका फ़ायदा क्या रहेगा, आप अर्ली पेमेंट करेंगे तो आपकी जो डिलीवरी है स्कूटर की वो आप उस पर सबसे आगे हो जाएंगे, क्योंकि आपने पेमेंट टाइमली कर ली है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ विद प्रॉपर फैक्ट्स एंड प्रूफ्स आपको शेयर करूँगा कि ओला ने अनाउंस किया था जो उनका पेमेंट गेटवे है वो 6 बजे शुरू हो रहा है, लेकिन काफ़ी लोगों ने 6 बजे से पहले भी पेमेंट करी है। उसका मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो पेमेंट है वो 4:30 पर हुई है, और यहाँ पर ये बैलेंस अमाउंट पे करने का इनके पास ऑप्शन आ गया है। अदर एग्जांपल यहाँ पे 5 बजे पेमेंट पे कर दी गई है बैलेंस अमाउंट, आप ये देख सकते हैं, और 5:02 पर, ठीक है, और ये है 5:52 पे। तो इन लोगों ने पहले पेमेंट कर दी, तो इनका एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ रहा था क्योंकि उनको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला था ओला की ऐप के ऊपर। वेर इन ऑन दी अदर हैंड, उसके दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, अगर आप ओला के शेड्यूल टाइम पे अपनी पेमेंट शुरू करते हैं तो क्या होता है, तो बेसिकली ये होता है कि आपको सर्वर क्रैश का इशू मिलता है और पेमेंट आपकी डिले होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी सेम टाइम पे अपना पेमेंट करने के लिए प्रोसेस कर रहे होते हैं और उनका सर्वर है वो क्रैश हो जाता है। तो उसका डिसएडवांटेज या उसका नुकसान आपको क्या रहेगा कि आपकी जो पेमेंट है वो डिले हो जाएगी, क्योंकि आप टाइम से पेमेंट कर नहीं पाओगे और आप क्यू के अंदर सबसे पीछे चले जाओगे, जिससे कि आपकी जो स्कूटर की डिलीवरी है वो लेट हो सकती है। तो ये देख सकते हैं आप एग्जांपल, एक 6:01 पे पेमेंट ट्राई करी तो एरर कोड Tetra 14 आ रहा था, 6:09 पे कई लोगों को फाइनेंसिंग ऑप्शंस पे ही यहाँ पे अटक गया, कई लोगों को सर्वर कनेक्टिविटी का इशू था और कहीं लोगों को टेक्निकल इशू फेस करना पड़ रहा था। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप ये ट्रिक ज़रूर ट्राई कीजिए नेक्स्ट जो भी पेमेंट गेटवे विंडो आती है। तो नेक्स्ट टिप मैं कहूँगा, ये टिप उन लोगों के लिए है जो कि अपना एडवांस अमाउंट 20,000 पे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो टिप ये है कि कभी भी अपना इंश्योरेंस जो है एडवांस अमाउंट पेमेंट के टाइम पे स्किप मत करो। तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि आई विल बाय माई ओन इंश्योरेंस, तो ये ऑप्शन कभी भी मत आप सेलेक्ट करना। आप जो आपका इंश्योरेंस अवेलेबल है उसको आप सेलेक्ट करना, ठीक है, वही बेस्ट रहेगा आपको। मैं इसका क्यों आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप इंश्योरेंस नहीं ऑप करते तो आपको क्या नुकसान रहेगा वो आपको मैं बता सकता हूँ।
उसके बेस पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका नुकसान क्या रहेगा कि पहले मतलब कई लोगों को इशू आ रहा है कि जो ईएमआई पे ले रहे हैं तो उनको फाइनेंस का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, क्योंकि ओला उन्हीं को फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है जो कि जिन्होंने इंश्योरेंस पहले से ऑप्ट कर रखा है। दूसरा जो इशू उनको ये आ रहा है कि उनका जो स्कूटर है वो बेसिकली क्या है, डिले हो जाएगा रजिस्ट्री के टाइम पे। क्यों? बेसिकली क्या होगा कि जब आपका स्कूटर वहाँ से डिलीवर हो जाएगा और आरटीओ के पास जाएगा, तो आरटीओ को रजिस्ट्री करने के लिए आपका इंश्योरेंस चाहिए होगा। तो आपको ओला फिर क्या करेगा उस टाइम पे, ओला आपको कांटेक्ट करेगा और आपको आपके व्हीकल का चेसिस नंबर देगा। तब उसी टाइम आपको अपने व्हीकल का उस चेसिस नंबर, उस डिटेल्स के बेस पर आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, ठीक है? और इंश्योरेंस के लिए आपको चेसिस नंबर, इंजन नंबर, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। और फिर वो आप इंश्योरेंस ओला को सबमिट करेंगे और उस सबमिशन के बेस पे वो आपका आरटीओ की फाइल जो है वो प्रोसेस करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टीडियस प्रोसेस है। 200-300 रुपये के चक्कर में अगर आपको लगता है कि उससे ज़्यादा वैल्यूबल आपका टाइम नहीं है, तो आप इस चीज़ में जा सकते हैं, बट मैं आपको पर्सनली ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है? और सेकेंडली, जब आप फाइनल पेमेंट करते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आता कि आप बाद में लेटर स्टेज में जाके इस इंश्योरेंस को आप ले पाएँ। तो आपको स्टार्टिंग से ही वो चीज़ करनी पड़ती है। अब इंश्योरेंस जब आप 20,000 की पेमेंट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि आप देखते हैं बाय माई ओन इंश्योरेंस, तो ये नहीं लेना है हमें। और हमें अगर पर्सनल एक्सीडेंट कवर चाहिए या रोड रैश चाहिए, ज़ीरो डिप्रिसिएशन चाहिए, तो भी आप जब ये एडवांस अमाउंट पे कर रहे हैं तो आप वाइजली चूज़ करिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको फिर बाद में नहीं मिलेंगी। तो मैं अपना बताऊँ तो मैंने अपना रोड साइड असिस्टेंस और ज़ीरो डेप्थ मैंने ऑप्ट किया था, बिकॉज़ बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मैं अभी करेंटली 2 व्हीलर यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें आरएसए की फैसिलिटी नहीं है, मोस्टली 4 व्हीलर्स में ही मिलती है, और ये जो भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर है वो भी आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड है। तो कोई इशू मुझे लगा नहीं, और ऐसा कुछ 200-300 रुपये के चक्कर में आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम, क्योंकि मेरा टाइम ज़्यादा वैल्यूबल है। तो ये थी मेरी सेकेंड टिप, तो आप इंश्योरेंस ज़रूर ऑप्ट करिएगा। तीसरी टिप, डॉक्यूमेंटेशन है, तो अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड बिफोर डूइंग दी पेमेंट, क्योंकि बेसिकली ये डॉक्यूमेंट आपको पेमेंट करने के बाद पूछे जाते हैं, ठीक है? लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड आपका अवेलेबल है। अगर आपका आधार कार्ड और जो आपका डिलीवरी एड्रेस है स्कूटर का जो आप डिलीवर करने हैं वो मैच नहीं कर रहा, तो आपको एडिशनल एड्रेस प्रूफ प्रूफ दिखाना पड़ेगा उस डिलीवरी एड्रेस का, जैसे कि उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या कोई और बिल, जिससे कि आप प्रूव कर सको कि आप उस एड्रेस पे रहते हो, तो वो आपको भी अपलोड करना रहेगा, ठीक है? और आपको जब भी आप फोटो को खींच रहे हो या कोई भी डॉक्यूमेंट है, आपको मेक श्योर करना है कि वो इजीली रीडेबल हो, विजिबल हो फोटोग्राफ के अंदर, ठीक है? ताकि कोई भी उसको पढ़ के समझ पाए कि उसमें लिखा गया है, ठीक है? तो क्लियर फोटोग्राफ होनी चाहिए या डॉक्यूमेंट क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है कि जो आप अपना नाम दे रहे हो कि किसके नाम पे स्कूटर की रजिस्ट्री होनी है, ठीक है? और जो आपका एड्रेस है, जो जहाँ पे स्कूटर की डिलीवरी होनी है, आपका नाम आपका एड्रेस मैच करना चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड पे नाम है और जो आधार कार्ड पे एड्रेस है प्लस जो पैन कार्ड पे आपका नाम है, ठीक है? वो सब चीज़ें मैच होंगी तभी आप अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे, वरना ये होगा कि आप पेमेंट कर देंगे फिर आप का या तो पैन कार्ड अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनके पास आधार कार्ड है उनके अपने नाम का, बट पैन कार्ड जो है उनके पास है नहीं, तो उनको एट अ मोमेंट जाके या तो पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा या फिर उनको वो सारी चीज़ें चेंज करवानी पड़ेंगी, यानी कि जो नाम है वो चेंज कराना पड़ेगा। जैसे लेट अस सपोज एक स्टूडेंट है कॉलेज गोइंग, उसके पास पैन कार्ड नहीं है, तो वो अपने फादर के नाम पर स्कूटर ले सकता है, प्लस जिसके पास उनके आधार कार्ड भी हो और पैन कार्ड भी हो, तो सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए तभी आपका वो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये जो उनका जो जब आप पेमेंट करेंगे
तो ये आपको ऑप्शंस मिलते हैं, यानी कि आपको आधार कार्ड का फ्रंट और बैक आपको अपलोड करना रहता है, ठीक है। और प्लस अगर मैं बात करूँ पैन कार्ड उसका फ्रंट, और जब आप अपलोड करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है, या तो आप फ़ोटो लाइब्रेरी से जो आपने ऑलरेडी फ़ोटो खींच रखी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप फ़ोटो ले सकते हैं अपने फ़ोन से डायरेक्टली और उसको अपलोड कर सकते हैं, या तीसरा ऑप्शन है कि आप कोई फाइल चूज़ कर सकते हैं, और फाइल टाइप्स आप जो चूज़ कर सकते हैं वो JPEG या PDF फॉर्मेट में हो, ठीक है, तो वो आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें मैच होंगी तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ रहेगी तो दे विल कॉन्टैक्ट यू, आपका वेरिफिकेशन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, और उसके बाद ही आपको प्रोसेस कर देंगे। 72 आवर्स वैसे इन्होंने बोला है, लेकिन जल्दी हो जाता है। फोर्थ टिप इज़ रिगार्डिंग टू चूजिंग द हेलमेट साइज, ठीक है। अब काफ़ी लोगों ने ये बहुत मिस्टेक करी है कि उन्होंने हेलमेट साइज़ जो है वो वाइजली सेलेक्ट नहीं किया, और जब पेमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद देन पता लगता है कि यार हेलमेट सही सेलेक्ट नहीं किया, और काफ़ी लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल था, ठीक है। तो ये गलतियाँ आप ना करें। तो उसके लिए क्या है, जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा हेलमेट का, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हेलमेट का साइज़ सेलेक्टेड होता है वो L साइज़ होता है, और उसका अमाउंट जो है वो 749, ये डिपेंड वेरी कर सकता है कि आप किस स्टेट में रह रहे हैं, कि कुछ स्टेट्स में मैंडेटरी है कि आप 2 हेलमेट्स ले ही लें, ठीक है, और कुछ स्टेट्स में मैंडेटरी है कि आप 1 हेलमेट लें, और कुछ स्टेट्स में ये है कि आपको हेलमेट मिलता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जैसे कि राजस्थान में आपको हेलमेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसको आपको ज़रूर सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इसको सेलेक्ट करने के बाद आपके ऑप्शन क्या आएगा, ये आएगा। इसमें क्या है, आपके पास हेलमेट का प्राइस आएगा, सिंगल का 749 है, और अगर आप 2 हेलमेट लेते हैं तो 1299 है, और आपके पास साइज़ का ऑप्शन भी आता है, आपको स्मॉल साइज़ लेना है, मीडियम साइज़ लेना है, या लार्ज साइज़ लेना है, ठीक है। तो जैसे कि मुझसे भी ये मिस्टेक हुई थी कि मैंने हेलमेट ये वाला ऑप्शन मुझे विजिबल नहीं हुआ, या मैंने देखा नहीं क्योंकि पेमेंट उस टाइम पे जल्दी जल्दी में करनी थी, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं ध्यान दी, तो मैंने लार्ज साइज़ ही सेलेक्ट कर रखा है, बट लार्ज और मीडियम में आप देख सकते हैं 20 mm का फ़र्क है, और काफ़ी लोगों को यही नहीं पता यार कि मुझे हेलमेट कौन से साइज़ का लेना चाहिए, ठीक है, तो वो मैं आपको बताया था। और कहीं जगह पे ऑप्शन भी आ रहा है कि आप हेलमेट रिमूव भी कर सकते हो, तो वो भी आप इसमें ऑप्शन है, तो आपको हेलमेट नहीं चाहिए और आपके स्टेट में मैंडेटरी नहीं है तो आप उसको हटा भी सकते हो। तो हेलमेट आपको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, आप ये देख सकते हैं, दो फोटोग्राफ्स हैं, लेफ्ट साइड में जो गलत तरीका है मतलब एक हेलमेट का, या किस साइज़ का आपने हेलमेट पहना है उसका गलत तरीका सेलेक्ट करने का है, और एक है तो बेसिकली जो सही तरीका है राइट साइड में देखें, तो जब आप हेलमेट को पहनते हैं आपकी जो चिन स्ट्रैप में मतलब 2 फिंगर्स ही जा सकें, इतना टाइट होना चाहिए, बेसिकली द हेलमेट शुड बी स्नग फिट, अगर आपका पूरा हाथ चिन स्ट्रैप के अंदर से जा रहा है, ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ नॉट स्नग फिट है, तो वो बेसिकली इट इज़ जस्ट कि बस आप चालान से बचने के लिए आप हेलमेट पहन रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा लूज है, तो होगा क्या इन केस ऑफ एन अनईजी इंसिडेंट, तो आपका हेलमेट उड़ के निकल जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज होगा, तो प्लीज़ चूज द हेलमेट साइज वाइजली कंसिडरिंग कि वो स्नग फिट हो और 2 फिंगर्स आपको चिन स्ट्रैप से जा सकें। तो इसमें बेसिकली आप अपना हेड साइज मेजर करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना हेलमेट का साइज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी लोगों ने मिस्टेक करी है। और जो हेलमेट जो ओला प्रोवाइड कर रही है वो आता है स्टील बर्ड का ही हेलमेट है, हाफ फेस हेलमेट है, और विद ओला की बैजिंग रहती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओला की बैजिंग रहेगी, और ये जो हेलमेट है ये स्टील बर्ड का है, यहाँ पे स्टील बर्ड लिखा भी हुआ है। क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ हाफ फेस हेल को पहनने के लिए, आई ऑलवेज वेयर अ फुल फेस हेलमेट। नाउ टिप नंबर 5 इज रिगार्डिंग टू द पेमेंट मेथड, ठीक है। तो जब आप पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो पेमेंट करने में आपको 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं, यानी कि EMI ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप फुल में पे कर सकते हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं रिगार्डिंग टू EMI ऑप्शंस, तो वहाँ पे इन्होंने टाई अप कर रखा है कुछ फाइनेंस कंपनी से जो कि जो EMI प्रोवाइड करते हैं, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11 से 20% के बीच में
मिल जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ ओला की, तो उन्होंने इसके लिए टाई अप कर रखा है IDFC फर्स्ट बैंक से। तो इसमें काफ़ी लोगों का, जो मैंने देखा था, 11 से 12% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा था। और सेकेंड चीज़ आती है टाटा कैपिटल, तो उससे ले रहे हैं। अगर आपके पास लेट सपोज से बिल लो है, मतलब 800 से कम है, तो कईयों को लोन भी ऑफर नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस आप दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि क्रेड। अगर आप क्रेड एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो उसमें क्रेड कैश बेसिकली एक टाइप का लोन ही है ये, ठीक है। तो आप क्रेड कैश लेके वो आपके डायरेक्टली आपके अकाउंट में आके देन आप परचेज कर सकते हैं, या अदर एप्लीकेशन जैसे कि पेसेंस वगैरह है जो कि आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो भी आप एक्सप्लोर आउट कर सकते हैं। इससे आपको लोन मिल जाएगा और आप अपनी पेमेंट कर देंगे। जो सेकेंड ऑप्शन है वो पेमेंट करना है फुल में, तो उसमें आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड से भी 1,20,000 की हो रही है, डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। उसको उतनी लिमिट होनी चाहिए आपकी, जो डेली ट्रांजेक्शन की लिमिट है, जो कईयों के पास नहीं होती है उतनी लिमिट। तो वो अगर आपके पास है तो आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो भी उतनी लिमिट का होना चाहिए, ठीक है। और अदर ऑप्शन है कि आप नेट बैंकिंग, तो नेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड का एक्सपीरियंस या डेबिट कार्ड का बहुत ही स्मूथ रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं रहेगा। किसी बंदे ने लोन के लिए अप्लाई किया था, तो ऐसा कुछ प्रोसीजर आता है कि पहले आपके KYC डिटेल्स को वेरीफाई कराया जाता है, फिर क्रेडिट ब्यूरो से आपका यानी सिबिल विजिबल चेक करके, फिर आपकी एलिजिबिलिटी कि हाँ भी आपको लोन मिल सकता है नहीं, उसके बाद आपको लोन अप्रूवल के लिए जाएगा, ठीक है। तो उसमें फिर ये रहेगा कि जब आपका व्हीकल कि जब इनवॉइस मिलेगी, ठीक है, तो वो जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा, और वो वेरीफाई होके फिर आपकी इनवॉइस बनेगी, ठीक है, फिर आपका जो है वो लोन वो डिस्पर्स आप कर देंगे। तो ऐसा कुछ प्रोसीजर रहने वाला है। सो दोस्तों, अभी मैं आपको अपना स्टेटस दिखा देता हूँ। आफ्टर डूइंग द पेमेंट, अभी मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस ओके हो गया है, और ये मेरा मंडे को ही हो गया था जब मैंने उसको चेक किया था इन द आफ्टरनून और समथिंग, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो बेसिकली ये था कि जो सैटरडे संडे की, फ्राइडे को रात को मैंने पेमेंट करी थी 10 बजे के आसपास, और सैटरडे संडे वैसे ही बैंक्स का हॉलीडे था, बींग सेकेंड और फोर्थ सैटरडे को उनको छुट्टी रहता है संडे, तो मे बी मंडे को उनको पेमेंट प्रोसेस हुआ होगा। पेमेंट के प्रोसेस होने के बाद सपोज आप किस भी मेथड से कर रहे हैं, तो वो उनके पास वो पेमेंट जाना चाहिए, उनके पास पेमेंट जाने के बाद ही वो एक्टिविटी को शुरू करते हैं। तो पेमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपने जो अपना नाम बताया है, अपना एड्रेस बताया है, वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच होना चाहिए, वो वेरीफाई करके ही वो आपको इसको कर देंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस दिन पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर बीच में छुट्टी आ गई तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, बट ये मोस्टली सभी का ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन किसी का अगर डॉक्यूमेंट मैच नहीं करेगा, जैसे जो आपने एड्रेस पहले दिया होगा, जब आपने 20,000 पे किया होगा, ठीक है, तब, और जब आप अपना आधार कार्ड दे रहे हैं, तो उसमें कुछ मिसमैच है, तो वो आपको कॉल करके पूछेंगे, और कुछ भी एक्टिवेशन करना होगा तो वो करवा लेंगे आपसे। तो बस अभी गेटिंग स्कूटर रेडी, ये शो कर रहा है डिस्पैच के लिए रेडी है, जैसे ही अपडेट आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। By the sounds I'm breathing.